ये जो शब्द होता है ना, ये आपको बड़ा प्रॉफिट दिलाता है, जिसका नाम है सीटीसी। ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि हर बार 320 से वापस 290 की तरफ ही जाए। तो जो मुझे दो लोट का प्रॉफिट होगा वो इसके हिसाब से होगा, और दो का मुझे इसके हिसाब से होगा। हाँ जी सर, मुझे एक महीना अभी वन मंथ ही हुआ है आपका कोर्स परचेज किए हुए। ओके हाँ जी, वैसे सर मॉर्निंग सेटअप भी और ये बेसिक भी अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो जी, शुरुआत करते हैं अपने एक नए क्लास की। ठीक है, कुछ मार्केट की लैंग्वेज होती है, आज उस लैंग्वेज पे काम करेंगे। कॉल का सबको पता है कॉल क्या होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो आपको कॉल की तरफ प्रॉफिट मिलता है। एक होती है पुट, जब मार्केट डाउन आती है तब आपको प्रॉफिट मिलता है। इनको सीई भी बोलते हैं, इनको पीई भी बोलते हैं, कोई सी भी बोल देता है, कोई पी भी बोल देता है। ठीक है, ये तो होता है दो। आप मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर दो ही चीज बाय कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं, हम बैंक निफ्टी को बाय नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसके ऑप्शन में जाके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में भी कॉल और पुट होता है। ठीक है, वो आपको सबको पता ही है, कॉल और पुट। अगर मार्केट अप जाएगी, ठीक है, तो कौन अप जाएगा, कॉल अप जाएगी और पुट डाउन आएगी। दोनों अप कभी नहीं जाती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो कॉल अप में जाएगी, पुट डाउन आएगी, तभी कॉल वालों को प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, अगर मार्केट क्या आ रही है, डाउन आ रही है, तो कॉल का प्राइस डाउन आएगा और पुट का प्राइस अप जाएगा। मैं अभी आपको एक बार दिखा भी देता हूं। देखो, अब मैं एक तारीख की बात करता हूं। ठीक है, एक तारीख को मार्केट पहले खुलने के बाद ऊपर हुआ, उसके बाद देखो कहां आता गया, नीचे आता गया। ठीक है, तो मैं अब एक तारीख के आपको पुट दिखाता हूं 51,900 या 800 की। अब ये देखो, ये कौन सी तारीख है, एक तारीख। ठीक है, यहां से ये कहां आती गई, नीचे देखो, ये कितना प्राइस था यहां पे, 520 से देखो ये नीचे आती गई ना, 300 तक आ गई। ठीक है, और इसने क्या किया, एक तारीख को ये प्राइस कितने पे था, 300 या 350 पे, ये कहां तक गया, 520 तक। और मार्केट कहां आई है, मार्केट आई है डाउन। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं चलती है। मान के चलो आपने 51,800 की पुट को बाय किया, कितने पे, 292 पे। आपने क्या किया, 292 पे उसको खरीद लिया। ठीक है, और आपने एसएल लगाया जी 267 का, मान के चलो। ठीक है, ये आपका एसएल था। ठीक है, आपका टारगेट था T1, T2, T3। देखो मार्केट में कहा जाता है, ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा इजी कर लेता हूं मैं, बाद में दिक्कत नहीं आएगी हमें। 290 पे बाय किया और 260 का हमने उसका एसएल लगाया। ठीक है, मार्केट में कहा जाता है कि आपको हमेशा 1:1 तो पहले रखना पड़ेगा। अब वो 1:1 होता क्या है, उस चीज को समझना। कितने पॉइंट का एसएल है ये, कितने पॉइंट है, 30 पॉइंट का मैं क्या ले रहा हूं, एसएल। ठीक है, तो 1:1 क्या होता है कि मेरा पहला टारगेट उतने का ही हो जितने का मैं अपने एसएल लगा के चल रहा हूं। तो मैं एसएल कितने पॉइंट का लेके चल रहा हूं, 30 पॉइंट का। अगर मेरा यहां पर एसएल मान के चलो आप, ठीक है, कि 270 होता, तो 270 और बाय प्राइस क्या है, 290। ठीक है, तो कितने पॉइंट हुए, 20 पॉइंट। तो मेरा पहला टारगेट फिर कितने का होता, 20 का ही होता। ठीक है, बट यहां पे मैंने क्या लिखा है अभी, 260। तो 260 के हिसाब से 30 पॉइंट का एसएल हुआ, तो मैं यहां पे अपना पहला टारगेट कितना डालूंगा, 320। ठीक है, अब ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट, जिसको मैं कहूंगा 1:1, मतलब जितने पॉइंट का लॉस उतने पॉइंट का मेरा फर्स्ट टारगेट, जिसको हम कहेंगे 1:1। ठीक है, अब ये तो कहलाएगा मेरा 1:1 में। ठीक है,
अब कई भाई कहते हैं कि सर मैं दूसरा रखूंगा 1:2, तो 2 में क्या होगा, 30 की बजाय वो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 60 पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कितने ऐड करूं 320 के बाद, बताओ 350 मेरा क्या हुआ, सेकंड टारगेट, ठीक है। अब कहते हैं कि सर ये 1:2 हो गया, अब मैं कर लेता हूं सर 1:3, ठीक है, तो कितने का होगा, 90 पॉइंट का। तो यहां पे फिर मैं कितने जोड़ दूं, कितने 30, तो ये कितने का हो गया 380। अब ये क्या कहलाया, 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है। अब यहां पर आपने 4 लोट बाय कर रखे, कितने 4, तो ट्रेड विद सुनील आपको कहेगा कि जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका, वहां पर आप 50% सेल कर दो, ठीक है। जितने भी आपने बाय कर रखे हैं लोट, अब मैंने कितने बाय कर रखे हैं 4, तो मैं यहां पे 2 को सेल कर दूं और 2 को होल्ड कर दूं CTC, ठीक है। ये जो शब्द होता है ना, ये आपको बड़ा प्रॉफिट दिलाता है, जिसका नाम है CTC, ठीक है। मतलब 2 लोट मैंने सील कर दी और 2 को होल्ड कर दिया मैंने CTC। CTC का मतलब होता है जी कॉस्ट टू कॉस्ट। क्या मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, अब वो आप समझना क्या होता है, ठीक है। मेरा अभी कितने पे है 320 और मेरा बाय प्राइस क्या था 290, ठीक है। अब जो 2 लोट मेरे होल्ड हैं, उनको मैं दोनों तरीके से होल्ड किया हुआ है, क्या अगर ये 2 लोट जो कि अभी 320 पे हैं, अगर ये 320 से वापस आ जाते हैं कितने पे, बाय प्राइस पे, मतलब कोस्ट टू कोस्ट, जहां पे आपने उसको बाय किया है वो वहीं आ जाता है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, वहां पे सेल कर दूंगा। कितने लोट बचे थे मेरे पास, 2, 2 को मैंने कहां सेल कर दिया था, अपने फर्स्ट टारगेट पे, और 320 से वो वापस आ गई 290 पे, तो मैंने उसको कहां सेल कर दिया CTC। तो मुझे प्रॉफिट कितने का मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा 2 लोट का जो मैंने 320 पे सेल किए, 2 मैंने कहां कर दिए, जहां मैंने उनको खरीदा था वहीं पे बेच दिए, तो उनका मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। या आप चाहते हो कि सर मैं 290 पे नहीं, मैं तो 300 पे बेचना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, तो आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा 2 लोट के हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि ये हर बार 320 से वापस 290 की तरफ ही जाए, ये 320 से 350 की तरफ भी आ सकती है, ठीक है। जब जो लोट आपके होल्ड थे कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है, अब वो 2 लोट आगे आपके 350, ठीक है, अब आपने इसको होल्ड कर दिया, होल्ड T1, मतलब टारगेट 1, कैसे कि अब अगर ये 350 की चीज वापस से नीचे आ जाती है 320 पे, तो मैं T1 पे बेच दूंगा, मतलब टारगेट 1 पे बेच दूंगा, तो मेरा यहां क्या होगा, 2 मैंने पहले ही बेचे थे और 2 मैं अब बेच दूंगा, तो मेरे चारों कहां सेल हो गए 320 पे, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितने 320 के पॉइंट के हिसाब से होगा, ठीक है। अब अगर 2 मैंने यहां सेल कर दिए, ठीक है, तो जो मुझे 2 लोट का प्रॉफिट होगा वो इसके हिसाब से होगा और 2 का मुझे इसके हिसाब से होगा। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार भाई। हाँ जी सर, मुझे 1 महीना भी 1 मंथ ही हुआ है आपका कोर्स परचेज किए हुए। ओके। हाँ जी, वैसे सर मॉर्निंग सेटअप भी और ये बेसिक भी अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी वैसे पेपर ट्रेड चालू किया है अभी 3-4 दिनों से। हाँ जी, रेगुलर आपकी क्लास ले रहा हूँ सर। मार्केट का कितना एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, बिल्कुल 0 से किया है सर जी। ठीक है। हेलो। हेलो जी सर, कहाँ से हो आप? सर मैं पलवल से हूँ, पलवल हरियाणा। ओके जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। हाँ जी, मैंने 0 पे स्टार्ट किया है सर। कोई डाउट आपका?
सर डाउट है कि अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बस। क्या? ये अकाउंट ओपनिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, जैसे एंजल वन ऐप में मैंने न्यू अकाउंट ओपन किया है, उसमें सर SEBI की ओर से कोई 1,000 रुपए का वो टैक्स मांग रहा है। 1,000 रुपए का टैक्स मांग रहा है? हाँ जी, नहीं यार, पता नहीं सर जी, वो अकाउंट ओपन हो नहीं रहा एंजल वन में तो क्या होता है ना, अकाउंट आप 2-3 में खोल के रखो, कभी जी। जैसे एंजल वन में दिक्कत आ गई, ठीक है, जी तो जी तुरंत सर, पैसे निकाल के अपने दूसरे में डाल सके। कितनी एज है आपकी दीपक चौधरी? सर मेरी 25 ईयर्स। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है दीपक चौधरी, किसी और से और भाई से और बात करते हैं ना। ठीक है सर जी, राम राम गुरु जी। राम राम भाई जी। यीशु शर्मा, हेलो, नमस्ते गुरु जी। हो गया दिल गार्डन गार्डन? ठीक हाँ गुरु जी, है चलो, अब बाय बाय, किसी और से बात करते हैं अब। ठीक है गुरु जी। नहीं बताओ, कोई डाउट? नहीं गुरु जी, डाउट तो नहीं है। मैं 2 महीने से क्लास ले रहा हूँ आपकी, ठीक है ठीक एडवांस ज्वाइन करा था मैंने। है। तो सर आपका सेटअप बहुत जोरदार है सर, कितना जोरदार है? सर बहुत जोरदार है, मैं ऐसे कितना बैठ नहीं कर सकता। कितना, मतलब ऐसे हम खींचे उसको, खींचो कितना? ये मान लो यहां से मेरे अपने आपके घर तक की दूरी तक का, कहां से हो आप? यूपी। यूपी। चलो जी, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट गुरु जी। गुड नाइट।